काम ले रहा है मिस्त्री का, अब वेतन दे रहा है मजदूर का, तो हमारा कहना है कि या तो मजदूर का वेतन दे रहो तो काम मजदूर का लो, और नहीं तो मिस्त्री का काम ले रहो तो मजदूरी हमारा वेतन मिस्त्री का दो, करो और मरो का अगर निर्णय लेने पर विवश करेगा प्रबंधन और सरकार तो वो भी करेंगे, क्योंकि सभी लोग नौकरी से बाहर हैं और पिछले 2-2.5 बरस से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसका अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति होगी और उन पर आश्रित उनके परिवार की क्या स्थिति होगी। उसी में मुकदमा हुआ था, किया तो कोई कुछ नहीं था, और 2018 में से एक भी आदमी को मुकदमा नहीं हुआ और 1,500 आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया, बिना कुछ बोले 1,500 आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। बिहार तो मुख्यमंत्री है, अरे बिहार में ठेका प्रथा बंद करो, बिहार में ठेका प्रथा बंद करो, अरे मजदूरों का हक देना होगा, अरे मजदूरों का हक देना होगा। अभी हम हैं पटना के गर्दनी बाग में, यहाँ प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिहार द्वारा 3 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं क्या कारण है, क्यों इस धरने को बुलाया गया है। ये 3 दिवसीय धरना का कार्यक्रम कल से प्रारंभ हुआ है, ये चरणबद्ध संघर्ष का कार्यक्रम निर्धारित हुआ था। मांगे क्या क्या है आपकी? मांगे हमारी 2 जगह से है, एक तो मांग है बिजली कंपनी से और दूसरी मांग है श्रम संसाधन विभाग से। बिजली कंपनी से हमारी मांगे हैं, 4 अक्टूबर 2018 से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ था उसके कारण जितने लोगों को काम से हटा दिया गया है उन तमाम लोगों को काम पर वापस लिया जाए। किस बात के लिए हड़ताल हुआ था? हड़ताल का मुद्दा तो बहुत पहले से चला रहा है, 16 से ही मुद्दा चला रहा है। एकमात्र मांग हम लोग की है कि जो भी श्रम कानून इस देश का है उसका अनुपालन बिजली कंपनी में सुनिश्चित कराया जाए। इसी के लिए 16 में भी हड़ताल हुआ था, 11 फरवरी 2016 से अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ था, उस दरमियान भी बहुत सारे लोगों को नौकरी से हटा दिया गया था और फिर बाद में लगातार संघर्षरत रहे, तो समझौता भी हुआ, द्विपक्षीय समझौता भी हुआ, त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ, बहुत लोगों को वापस लिया गया, लेकिन समझौता के अनुरूप तमाम लोगों को वापस नहीं लिया गया है। इसलिए उस समय के जो 16 के हड़ताल के कारण जो हटाए गए थे, जो शेष बचे लोग हैं उनको भी वापस लिया जाए। कितने लोग प्रभावित हुए हैं इससे? उस समय तो बहुत, मैंने न केवल नौकरी से हटाया गया था बल्कि उन लोगों के खिलाफ मैंने विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था और वो लोग बहुत परेशान हुए थे, कोर्ट कचहरी ये सब में परेशानी समझ सकते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद भी समझौता हुआ कि तीन कैटेगरी में हम बांट लेते हैं। एक तो जिनके विरुद्ध मुकदमा नहीं हुआ उनको हम वापस ले लेते हैं, करीब करीब उनको वापस ले लिया। फिर दूसरा समझौता हुआ कि जिनके विरुद्ध मुकदमा हुआ है और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है या पुलिस ने चार्जशीट उनके खिलाफ दायर नहीं किया है, चार्जशीट से नाम हटा दिया है, उनको हम वापस ले लेंगे। उसमें बहुत लोगों को लिया गया है लेकिन बहुत लोग अभी छूटे हुए हैं जिनको वापस लेना है। तीसरा था कि जिन पर मुकदमा है और अभी न चार्जशीट नाम हटा है और न कोर्ट से बरी हुए हैं, उनका जब कोर्ट का फैसला आवेगा या चार्जशीट से बरी होंगे तो फिर उन लोगों को वापस लिया जाएगा, ये हुआ था। तो अभी उस समय का जो करीब 100 आदमी हो, 50 आदमी हो, जो हो वो वापस लें, जो अनुपालन करें अपना जो विपक्षीय और त्रिपक्षीय समझौता हुआ था उसका। आप समझ सकते हैं कि आंदोलन को, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को दबाने के लिए सरकारी तंत्र क्या क्या करती है, झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, वो लोग मुकदमा के चक्कर में परेशान होते हैं और अभी देखे हैं हाल में एक 20 बरस के बाद एक आदमी निर्दोष साबित हुआ 20 बरस जेल में रहने के बाद, इसीलिए परेशानी तो हुआ ही है, लेकिन सब परेशानी झेलने के बाद भी अगर आरोप मुक्त हो गया है और समझौता भी हुआ था तो क्या आरोप लगाया गया है कि आप हड़ताल के ये कोई आरोप है? ये कोई आरोप नहीं है कि आप हड़ताल, अरे तो फिर कुछ मुकदमा क्या बोलकर तोड़ दिए, लाइन तोड़ दिया, ट्रांसफार्मर खराब कर दिए, तो आप ये कर दिए वो कर दिए, यही सब करके चला गया, आरोप लगाया गया, जबकि किया अगर है तो उसी का आदमी कराया है, अपने हम ही आपसे करवा दे कुछ आरोप लगा दे कि इन्होंने किया,
वही किया, प्रबंधन का जो अपना छल प्रपंच का रवैया रहता है उसी में मुकदमा हुआ था। किया तो कोई कुछ नहीं था, और 2018 में तो एक भी आदमी को मुकदमा नहीं हुआ और 1500 आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। बिना कुछ बोले 1500 आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। अरे ना, बिजली कंपनी में श्रम कानून का कुछ है ही नहीं जिक्र। जो मनमर्जी हो प्रबंधन का, उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों का मनमर्जी चलता है और कुछ नहीं चलता है। जैसा आप बोल रहे हैं कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, आप यहाँ भी देख रहे होंगे गर्दनी बाग में भी लगातार बहुत दिन से बहुत सारा धरना, बहुत सारा प्रदर्शन हो रहा है, तो आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार जब तक नहीं सुनेगी, देखिए संघर्ष का और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का बहुत सारा माध्यम होता है। तो आदमी संघर्ष जो चरणबद्ध संघर्ष किए, हम पहले पिछले महीने में एक दिन रैली और प्रदर्शन किए थे, अभी हम 3 दिन का धरना दे रहे हैं। पिछले महीने जो रैली किए थे उसका कोई सरकार की तरफ से जवाब आया है? सरकार की तरफ से कोई आया? अगर जवाब आता तो फिर आगे हमको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। जाहिर है कि कोई जवाब नहीं आया, और अभी भी आज तक अभी तक तो कुछ नहीं आया है। अगर कल तक हम लोग बैठते हैं और कल तक प्रबंधन के तरफ से या श्रम विभाग के तरफ से या सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं होता है, जबकि हम लोग पहले ही आग्रह, आंदोलन प्रारंभ करने के पहले आग्रह किए थे कि हमारी जो समस्याएं हैं उसका द्विपक्षीय वार्ता करके समाधान निकाला जा सकता है। जब अनसुनी हो गया, कुछ उस पर ध्यान नहीं दिए, तो हमको संघर्ष में के रास्ते पर जाना पड़ा। और आप समझ सकते हैं कि सब नौजवान लड़का है, सबका खून गर्म है, कब क्या करेगा कोई इसका ठीक नहीं है। जबकि पिछले 5 वर्षों से ये लोग लगातार संघर्ष में है, अभी संख्या कम है लेकिन 10,000 मैंने लोग आ करके बिजली विद्युत भवन को भी घेरा है, श्रम विभाग को भी घेरा है। और जैसे हम यहाँ भी देख रहे हैं कि लगातार छात्र हो या शिक्षक हो या किसान हो, सब रोड पर है, लेकिन सरकार किसी की बात नहीं सुन रही। नहीं सुन रही है, लेकिन कुछ का सुन भी रही है, मजबूरी में सुनना भी पड़ता है। हम सड़क पर भी लड़ रहे हैं, संसद में भी लड़ रहे हैं और न्यायालय में भी लड़ रहे हैं, और फिर हमको अगर आंदोलन तेज करना पड़ेगा तो अभी फिर हम लोग तय करेंगे कि फिर बिजली कंपनी का कार्यालय का नीचे से लेकर के मुख्यालय तक का घेराव करें, करो और मरो का अगर निर्णय लेने पर विवश करेगा प्रबंधन और सरकार तो वो भी करेंगे, क्योंकि सभी लोग नौकरी से बाहर हैं और पिछले 2.5 बरस से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसका अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति होगी और उन पर आश्रित उनके परिवार की क्या स्थिति होगी। ये इसीलिए अगर सरकार नहीं सुनेगी, प्रबंधन नहीं सुन रहा है, श्रम विभाग नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुनेगी, तो करो मरो का आंदोलन करने को हमको विवश होना पड़ेगा। उसका जो भी परिणाम होगा उसको भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। करो और मरो की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे होता है कि बिजली विभाग में बहुत लोग ऐसा होता है ट्रांसफार्मर पे चढ़े, उन्हें सरकार के तरफ से कुछ वैसा नहीं मिलता और उनकी जान चली जाती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो रोज हो रहा है तो उसी के लिए तो लड़ रहे हैं। ये सब मानोबल है, पहले इसके पहले अनौपचारिक मजदूर कहा जाता था, उसको कुछ वेतन उतर नहीं मिलता था, उसको कहा जाता था कि आप लोग कंज्यूमर का काम कीजिए और उसी से पैसा वसूलिए, और उससे भी जो बिजली कंपनी का अफसर था नीचे से कमीशन लेता था। उसके बाद ये मानोबल हुआ, इसको भी वेतन नहीं मिलता था, इसको हो गया कि तुमको एगो हो गया ठप्पा कि तुम बिजली के कामगार हो, बिजली कंपनी के आदमी हो, तुम अपना क्षेत्र मिल गया है, उस क्षेत्र में जाके कंज्यूमर से अपना पैसा वसूलो। आप लोग भी यहाँ अनुभव आपको अपने होगा, आज भी बिजली कंपनी का कोई कामगार जाता है आपके यहाँ बिजली का लाइन ठीक करने, तो करने के बाद खड़ा हो जाता है कि हमारा कुछ होता है। तो ये सब पहले कराता था, और उसके बाद जब लड़ना शुरू हुआ, पैसा सब बिजली कंपनी से समझौता हुआ कि इतना वेतन उनको मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता था क्योंकि एजेंसी वाला पैसा सब खा जाता था, दोनों एक्सक्यूटिव या एजेंसी वाला मिल करके इन लोगों को पैसा नहीं मिलता था। कहीं कहीं तेज लोग था, दबंग लोग था, तो वो लोग कुछ पैसा वसूलता था, लेकिन उन लोगों को पूरा जो हक उनका था वो नहीं मिलता था समझौता के अनुरूप भी। तब ये संघर्ष शुरू हुआ और तब मिनिमम वेज लागू हुआ, प्रोविडेंट फंड लागू हुआ, ईएसआई का प्रोविजन लागू हुआ। तो आपकी मुख्य मांगे हैं कि जो 2016 और 18 में लोगों को बर्खास्त किया गया बिना मतलब का, उनको फिर से बुलाया, उनको वापस लिया जाए, उनको और बोनस का कानून है, बोनस दिया जाए। 6 बरस से काम कर रहा है, 7 बरस से एक पैसा बोनस मद में नहीं मिला है। काम 8 घंटा का करना है, काम 18 घंटा का ले रहा है, ओवर टाइम का प्रावधान है तो उनको ओवर टाइम दीजिए और नहीं तो 8 घंटा काम लीजिए। काम ले रहा है मिस्त्री का, अब वेतन दे रहा है मजदूर का, तो हमारा कहना है कि या तो मजदूर का वेतन दे रहो तो काम मजदूर का लो,
और नहीं तो मिस्त्री का काम ले रहे हो तो मजदूरी हमारा वेतन मिस्त्री का दो। तो इनका कहना था कि जैसे हमारे अंग्रेजों के ज़माने में मजदूरों से ओवर टाइम कराया जाता था और उन्हें नहीं दी जाती थी उस प्रकार से सैलरी, अभी बिजली विभाग में वैसा ही हो रहा है, 18 घंटे काम कराकर 8 घंटे का वेतन दिया जा रहा है। इनका साफ कहना है कि अगर आप 8 घंटे काम करवा रहे हैं तो 8 घंटे का वेतन दीजिए, अगर आप ज़्यादा करा रहे तो ओवर टाइम दीजिए। मुख्य मांगों को देखें तो इनकी मुख्य मांग है कि 2016 और 18 में इनके मांगों को लेकर कुछ हड़ताल किया गया था, उसके बाद बिना मतलब का मुकदमा चलाकर और उन्हें बहुत हजारों कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इनकी मांगे हैं कि उन कर्मचारियों को वापस लिया जाए और उस समय से अभी तक का सारा एरियर और बोनस दिया जाए। वीडियो पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।